वेलकम फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं नोवल स्पास न्यू टैबलेट के बारे में। नोवल स्पास न्यू टैबलेट की संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, जैसे कि इसके यूज, डोज, बेनिफिट और साइड इफेक्ट के बारे में। अगर आपके पेट में दर्द या इनसे जुड़ी कोई समस्या है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नोवल स्पास न्यू टैबलेट एक कॉम्बिनेशन मेडिसिन है, जिसमें कॉम्बिनेशन है ड्यूटावेरिन 80 mg, एसिक्लोफेनिक 100 mg होता है और इस टैबलेट को मेनकाइंड फार्मा कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। आइए अब जान लेते हैं इस टैबलेट के उपयोग के बारे में। इस टैबलेट का उपयोग मुख्य रूप से पेट के दर्द के इलाज के लिए इसका यूज किया जाता है, जैसे कि आंतों में ऐंठन, पेट दर्द, पीरियड के समय दर्द, स्टमक पेन, पेट में मरोड़, पेट फूलना, दर्द जैसी समस्याओं के इलाज के लिए इस टैबलेट का यूज किया जाता है। अगर आपके पेट में दर्द या इनसे जुड़ी कोई भी समस्या है तो आप इस टैबलेट का यूज कर सकते हैं। आइए अब जान लेते हैं इस टैबलेट के कुछ नॉर्मल से साइड इफेक्ट के बारे में। इस टैबलेट के कुछ नॉर्मल से साइड इफेक्ट नज़र आते हैं, जैसे कि जी मचलाना, उल्टी, दस्त, चक्कर आना जैसी समस्याएं नज़र आ सकती हैं। अगर आपको ये समस्याएं नज़र आएं तो आप इस टैबलेट का यूज करना बंद कर दें। अगर ये बढ़ जाए तो आप अपने डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। आइए आप जान लेते हैं इस टैबलेट की डोज के बारे में। इस टैबलेट की डोज वैसे तो आप अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार लें, और एक सामान्य व्यक्ति के लिए एक टैबलेट सुबह शाम खाना खाने के बाद गर्म पानी से यूज कर सकते हैं। आइए आप जान लेते हैं इस टैबलेट को यूज करते समय किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए। अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी या स्तनपान करा रही लेडी इस टैबलेट को यूज करना चाहती है तो इसे यूज करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह अवश्य ले लें, और अल्कोहल लेते समय इस टैबलेट का यूज ना करें। अगर आपको लीवर या किडनी से जुड़ी कोई समस्या है तब भी इस टैबलेट को यूज करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह अवश्य ले लें। आइए आप जान लेते हैं इस टैबलेट की MRP के बारे में। इस टैबलेट की MRP है 10 टैबलेट आपको 71 रुपये में हर मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाएंगी। आशा करता हूँ आपको नोवल स्पास न्यू टैबलेट की संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, शेयर करें। मेडिसिन नॉलेज से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।